क्या आपका लिंग सिकुड़ रहा है? जानिए रिपोर्ट और इसका उपचार। आज मैं बात करने वाला हूँ लिंग का सिकुड़ना और इसका उपचार क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे प्रैक्टिस में काफ़ी लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते रहते हैं, ऑफलाइन आते रहते हैं, और जो लोग यंग आते रहते हैं उनका भी सवाल रहता है। जो लोग उम्र से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनका भी सवाल ये रहता है कि भाई मेरा लिंग सिकुड़ रहा है तो क्या करें। हर एक को चिंता है कि अपना लिंग सिकुड़ रहा है, अपना लिंग छोटा हो रहा है, जितना लंबा चाहिए उतना लंबा नहीं है, और फिर उसके लिए वो इलाज चाहते हैं। बहुत लोग टेढ़ा लिंग है करके भी चाहते हैं इलाज कि भाई सीधा करना है, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये लंबाई मेरे को बढ़ाना है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को गोलाई बढ़ाने का है, और उसके लिए आते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोगों के दिमाग में ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है कि आजकल सोशल मीडिया में इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं और लोग इतना सारा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं, तो उसमें नेचुरली पॉर्न वीडियोस भी आते रहते हैं। और जब पॉर्न वीडियो में वो देखते हैं कि भाई बड़े बड़े लिंग वाले लोग सेक्स करते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि भाई अपना इतना छोटा है और उनके जैसा इतना बड़ा नहीं है, और फिर वो उनका आत्मसम्मान कम हो जाता है, उनको डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है कि भाई उनको ऐसा लगता है कि पॉर्न में देखने वाले जो लोग हैं उनके जो लंबे लंबे रहते हैं लिंग है तो उतना अपना होना चाहिए, अपना तो छोटा है, और वहाँ से वो परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग फिर उसका कारण ढूंढना चालू कर देते कि अपना छोटा है तो फिर क्यों है, क्योंकि मैंने हस्तमैथुन किया, मैंने मुट्ठी मारा हाथ से किया और इसकी वजह से मेरा छोटा हो गया, या मेरा रात में बहुत ज़्यादा सपने में चले गया, या मैंने कोई ऐसे गलत काम किए बचपन में इसके वजह से छोटा हो गया, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। वैसे ही लोग जब कॉमन टॉयलेट जाते रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते रहते हैं, तो एक दूसरे का देखते रहते हैं और उनको लगता है कि उसका लंबाई अपना छोटा है। हो सकता है कि नेचुरली किसी का लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका इरेक्शन मोड में है और आपका इरेक्शन मोड में नहीं है, इसलिए आपको वो लंबा दिख रहा है, मतलब वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे बहुत सारे कारण हैं, इसके अलावा एक्चुअली कारण जो है सिकुड़ने के वह है स्ट्रेस। नंबर एक, तनाव में जो लोग रहते हैं उनका लिंग छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जो लोग मतलब ठंड के प्रदेश में रहते हैं उनका भी लिंग छोटा रहता है, सिकुड़ जाता है। यदि पेन, यदि लिंग को इंजरी हुई है, मतलब जख्म हुई है, मार बैठ गई है, तो उसके वजह से भी लिंग छोटा हो जाता है, क्योंकि यदि मार बैठी हुई है, बार बार मार बैठी हुई है, मतलब भले ही जख्म ना हुए मगर मार बैठी है अंदर, तो एक अंदर फाइब्रोसिस तैयार हो जाता है और लिंग छोटा हो जाता है। फिर टेस्टोस्टेरोन की लेवल यदि कम हो गई तो उससे लिंग छोटा होता है। आपकी उम्र बड़ी है तो बड़ी उम्र में भी लिंग छोटा होते जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि 60 से 70 साल की उम्र तक आदमी का लिंग 1.5 से 2 सेंटीमीटर कम हो सकता है, जो नॉर्मल था उससे कम हो सकता है। अभी इसमें होता क्या है, ये सब जब कर मतलब छोटा जब होता है तब तो लोगों का आत्मसम्मान कम हो जाता है। क्या होता है कि एक तो उम्र से होता है वो, और दूसरा प्रोस्टेट सर्जरी जिनकी जिनकी हो जाती है, प्रोस्टेट सर्जरी, तो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में कम से कम 6 से 12 महीने तक लिंग सिकुड़ जाता है, तो एक वो भी कारण हो सकता है। फिर दूसरा पायरोनिस डिसीज कुछ लोगों को होता है, पायरोनिस मतलब फाइब्रोसिस हो जाता है, और उसमें लिंग ऐसा हो जाता है, एकदम फाइब्रोसिस हो जाएगा और लिंग अकड़ जाएगा, तो ये भी ऐसे कारण है कि जिसमें लिंग सिकुड़ जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक्चुअली लिंग सिकुड़ता नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि सिकुड़ा है। कैसा कि समझो, क्या होता है कि उम्र बढ़ने के बाद में लिंग के ऊपर, मतलब जो लिंग के ऊपर की बाजू में वहाँ काफ़ी सारा फैट जमा हो जाता है। अब समझो मोटापा है, बहुत सारा फैट है, तो नेचुरली आदमी ऊपर से देख रहा है लिंग को, जब ऊपर से देख रहा है तो वो फैट को, ऐसा फैट ढक रहा है उसको, और लिंग दिखता है छोटा। एक्चुअली यदि आपको लिंग को नापना है तो वो फैट बाजू करके या ऊपर करके अंदर तक स्केल डालनी पड़ेगी, तब लिंग सिकड़ा हुआ है ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा, मगर लोग देखते हैं बाहर जितना दिख रहा है उतना ही। मतलब एग्जांपल ये है कि समझो समुद्र के किनारे आप बालू में खड़े हैं और एक समझो लकड़ी वो बालू में ऐसी खुपस दिया है, और वो लकड़ी के आजू बाजू में बहुत सारी रेत ऐसी बालू जमा कर दिया, एक्चुअली लकड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा है मगर वो रेत जमा हो गई तो लकड़ी दिखती इतनी सी, इसका मतलब वो लकड़ी छोटी होगी ऐसा नहीं होता है, वैसे ही लिंग का होता है। तो मोटापा है, ओबेसिटी है, उसके वजह से भी लिंग छोटा है ऐसा लगता है। तो अभी जब समझो छोटा है तो क्या करना है, समझो लोग आ गए कि दीदी मेरा छोटा है, तो हम क्या करते, हम देख लेते
चेक कर लेते और फिर देखते कि भाई ये छोटा है तो, और इसके कौन से कारण है कि वो छोटा हो सकता है। हम देखते हैं कि भाई पायरोनिस डिसीज है क्या, या कोई इंजरी हो गई इससे छोटा हुआ है क्या, टेस्टोस्टेरॉन लेवल छोटे मतलब उसके वजह से हो रहा है क्या, फैट के वजह से हो रहा है क्या, उम्र ज़्यादा हो गई करके हो रहा है क्या, या छोटा नहीं है मगर उसको ऐसा लग रहा है कि छोटा है। ऐसे बहुत सारे पहले कारण देखना पड़ता है और उसको बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा छोटा कुछ नहीं है। क्या होता है और एक कारण कि 17, 18, 19, 20, 25 तक स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस होते रहते हैं। स्पॉन्टेनियस इरेक्शन मतलब नेचुरली कुदरती बीच बीच में दिन भर में इरेक्शंस होते रहते हैं। कोई लड़की को देख लिया, आवाज़ सुन लिया, कोई टच हो गया, कोई टीवी में देख लिया, मतलब ऐसा कई नेचुरली भी होते रहते हैं स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस। तो नेचुरली जब स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस हो रहे तो लिंग की लंबाई नेचुरल है, बड़ी दिखती है। जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस कम हो जाते और फिर लिंग छोटा दिखने लगता है। तो एक वो भी कारण हो सकता है कि लिंग छोटा होने का, मतलब एक्चुअली वो छोटा नहीं है मगर स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस बंद हो गए। अभी इसके प्रॉब्लम क्या है, लिंग छोटा है तो लिंग छोटा है तो लोगों का आत्मसम्मान कम हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, पेशाब जब करते हैं तब कपड़ों के ऊपर पेशाब गिर सकती है। नंबर तीन, उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे में महिला साथी को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लिंग छोटा है। तो ऐसे बहुत सारे उसके इम्पैक्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब जब सर्वे किया गया बहुत सारी जगह और बहुत सारी स्टडीज़ में तो 85% महिलाओं ने ये बोला कि हमको लिंग के लंबाई से कुछ मतलब नहीं है, लिंग के लंबाई से और उसके ऊपर लंबाई के ऊपर हमारी संतुष्टि डिपेंड नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। लिंग की लंबाई हम देखते नहीं है, उससे हमको संतुष्टि मिलती नहीं मिलती हमको मालूम भी नहीं, मतलब उनको कोई लेन देन नहीं था लिंग की लंबाई का 85% औरतों का। मगर पुरुषों को जब क्वेश्चनर दिया गया तो 55% पुरुषों ने बोला कि मेरे लिंग की लंबाई कम है या छोटी है और मैं मेरे महिला पार्टनर को तृप्त नहीं कर पाऊंगा, संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक्चुअली वो फर्क पड़ता ही नहीं है एज फार एज मतलब महिला पार्टनर जो है उसका कंसर्न देखा तो, मगर पुरुष को ऐसा लगता है कि अपना छोटा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर अभी नॉर्मल क्या लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो अलग अलग स्टडीज है। जब लिंग ढीला है, ढीला लिंग है तो ढीले लिंग की लंबाई 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच तक पाई गई है अलग अलग स्टडीज में, 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच। मतलब मैं हरदम ये देता हूँ एग्जांपल कि मैं छोटी उंगली जो है लिटिल फिंगर, इसका समझो पहला टुकड़ा भी है, इतना भी समझो ढीलेपन में लिंग है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच तक, यह नॉर्मल स्टडीज में पाई गई। कठोर लिंग जब हो जाता है, टाइटनेस जब आता है, तो अलग अलग स्टडीज में 5.6 इंचेस मतलब 5.5 इंच लिंग की लंबाई नापी गई एवरेज में। मतलब एक बड़ी बहुत बड़ी स्टडी की गई है, उसमें उन्होंने देखा काफ़ी लोगों को मतलब टेस्ट किया और उसमें मालूम पड़ा कि भाई लोगों का जो रेंज था वो 1.6 इंच से लेकर 10 इंच तक था। मतलब 1.6 इंच लंबाई वाले भी लोग थे इरेक्ट होने के बाद में, कड़क होने के बाद में, और 10 इंच वाले भी लोग थे। इसलिए सबका जब एवरेज निकाला तो 5.6 मतलब 5.5 इंच लिंग कट होने के बाद में लिंग की लंबाई नापी गई, और गोलाई जो है वो 4.8 इंच से लेके 5 इंच तक गोलाई नापी गई। तो ये यदि है तो आपका कोई प्रॉब्लम है नहीं। अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में 1661 पुरुषों को स्टडी में लिया और उनको इरेक्ट होने के बाद में उनके पेनिस की लंबाई गिनने के लिए बोला तो 1.6 इंच से लेकर 10.2 इंच तक इतना वेरिएशन लंबाई में मालूम पड़ा और गोलाई में 4.8 इंच रहा। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है कि भाई मेरा छोटा है कि बड़ा है, ये रेंज में लोग है और एवरेज जो पाया गया मतलब सबका एवरेज जब निकाला तो वो 5.5 इंच का था जब कठोर होता है तो, और जब ढीला होता है तो 1.5 इंच से लेके 3.5 इंच तक है। तो कोई चिंता करने की ऐसी बात नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के एक रिपोर्ट के अनुसार 3400 पुरुषों के ऊपर स्टडी की गई और उनमें से 200 पुरुषों ने यह बोला कि उनका लिंग छोटा है और उनका लिंग छोटा था, मतलब जो एवरेज था उससे छोटा था। एक स्टडी अमेरिका में और ऐसी की गई कि 15,521 पुरुषों की स्टडी की गई और इरेक्शन के बाद में उनका लिंग नापने के लिए उनको बोला
तो वो एवरेज में उसका रिपोर्ट जो है वो 4 से 6 इंच का था। अब ये सब स्टडीज हम एक साथ कर लेते हैं तो एवरेज में क्या है, एवरेज में ये मालूम पड़ता है कि भाई आपका लिंग कठोर होने के बाद में यदि 5.5 इंच है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं, गोलाई में यदि 4.8 इंच है या 5 इंच है तो आप नॉर्मल रेंज में आप है, कम रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज बता रहा हूँ मैं ये। अब सब ये होने के बाद में अभी सवाल ये आता है फिर करना क्या। नंबर एक, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका इलाज, कि समझो आपको लगता है कि अपना छोटा है तो करना क्या है, क्योंकि छोटा है और आपको लगता है कि नहीं अपने बड़ा करना चाहिए तो कोशिश तो जारी रखना ही है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। नंबर एक, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखो, स्ट्रेस कैसे कम करें। नंबर एक, जैसे मेडिटेशन आप करते हो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हो, उससे फर्क पड़ता है। नंबर दो, आप व्यायाम करो, 6 से 8 किलोमीटर चलना दौड़ना एक्सरसाइज अलग अलग आसन करना ये आप करो। नंबर तीन, कीगल एक्सरसाइज, मेरा अलग वीडियो कीगल एक्सरसाइज का है, कीगल एक्सरसाइज आप करते तो उस पर फर्क पड़ जाता है। नंबर चार, मसाज, मसाज यदि आप करते हैं तो मसाज से बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ अलग 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 तरह के मसाज। नंबर एक मसाज जो है वह है लुब्रिकेंट लेके, लुब्रिकेटिंग जेली लेना और लुब्रिकेटिंग जेली लेके धीरे 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 पेनिस को मसाज करना और उसको स्ट्रेच करते जाना, बाहर खींचते जाना। ऐसा आप रोज 5 से 10 मिनट करते हैं 4 से 6 महीने में फर्क पड़ सकता है। फिर दूसरा मसाज जो है वह है पंप का, मतलब लुब्रिकेटिंग जेली लगाना, वैक्यूम पंप लगाना और पेनिस इरेक्ट करके रख देना, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है, वो जो इरेक्ट पेनिस है उसका मसाज करना। नंबर तीन मसाज करने का तरीका है जेलकिंग एक्सरसाइजेस, मतलब दोनों हाथ से पेनिस को मलना है, मलने का है, लुब्रिकेटिंग जेल लेके मलना है और उसको अच्छा मसाज करने का है। नंबर चार, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि अंगूठा और तर्जनी, ये जो दो है, तो इसको जैसा गाय का दूध निकालते हैं वैसा पेनिस को ऐसा ऊपर से नीचे खोबरे का तेल लेके, कोकोनट ऑयल लेके उसका मसाज यदि करते हैं आप तो हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके मसाज है, ये मसाज आप करते हैं 4 से 6 महीने तो फर्क पड़ सकता है। पंप का, वैक्यूम पंप का मैंने जिक्र किया, यदि वैक्यूम पंप आप लगाते हैं और इरेक्शन करके रखते हैं, मसाज भी नहीं करते, तभी उसका फायदा हो जाएगा। ये पांचवा पॉइंट है, पंप लगाना, वैक्यूम पंप। नंबर छः, आप लो डोज में टाडाला फील या वर्दाना फील की दवाई लेते हैं और रोज लेते हैं और रोज उसको मसाज करते हैं खोबरे के तेल से दवाई लेने के बाद में, तो उससे आपका फर्क पड़ सकता है। नंबर सात, टेस्टोस्टेरॉन उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, तो आप टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं इंजेक्शन या टैबलेट, उससे फर्क पड़ जाता है। नंबर नौ, शॉक वेव ट्रीटमेंट है, लो इंटेंसिटी शॉक, स्पेशल मशीन आती है वो शॉक देते हैं उसको, तो उससे फर्क पड़ जाता है और लंबाई में फर्क होता है। नंबर दस, प्लाज्मा थेरेपी, मतलब पी शॉट थेरेपी है। पी शॉट थेरेपी मतलब पेशेंट के खून से कॉन्सेंट्रेटेड प्लाज्मा निकालना है, उसको कॉन्सेंट्रेट करना है और वो इंजेक्ट करना है पेनिस में, तो ये अभी रिसेंट है और इससे भी फर्क पड़ सकता है। और नंबर 11, फैट रिमूवल, यदि बहुत ज़्यादा फैट पेनिस के अराउंड है तो वो फैट रिमूव कर देते हैं तो फैट से कम हो जाता है। और फैट रिमूवल मतलब एक तो सर्जरी करके करो या एक्सरसाइज करके करो, तो आपका फैट रिमूव हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अपना पेनिस बड़ा हो चुका है। नंबर 12, सर्जरी आप करते हैं तो सर्जरी करने में क्या होता है कि यदि फाइब्रोसिस हुआ है ना, मतलब जो लिंग है वो फाइब्रोसिस की वजह से छोटा हुआ है ऐसा आपको लगता है, तो फाइब्रोस पार्ट जो है उसको ढीला कर देना, खुला करना है, या फिर इम्प्लांट डाल देते हैं और इम्प्लांट डालना, पेनाइल इम्प्लांट, उससे भी लिंग का साइज लंबा हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट है, लिंग जब सिकुड़ गया ऐसा आपको लगता है तो, और इससे आपको ठीक लग सकता है, फ़ायदा हो सकता है। अल्टीमेटली टेक होम मैसेज ये है कि यदि सचमुच आपका लिंग छोटा हुआ है तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करो, आपको ऐसा लगता है कि हुआ मगर डॉक्टर नहीं बोलते हैं तो कुछ करने का है नहीं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अपने को कन्फर्मेशन करना है, तो आप किसी भी आपके सेक्सोलॉजिस्ट नियर बाय उनको कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन हमको कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके भी हम आपको बता देंगे कि क्या एक्चुअली फैक्ट है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग वीडियो कॉल करके एक बार बता देते, मैं बोलता हूँ नहीं यार ठीक है कोई चिंता मत कर, और वो फिर कोई चिंता करता नहीं, उसकी फिक्र मिट जाती है।
हस्तमैथुन करने से लिंग का साइज छोटा होता नहीं है, पक्का समझ लो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, बहुत लोगों के लाइफ बर्बाद होते हुए बच जाएंगे। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हो, बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।